नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट रिपेयरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप नए हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि इलेक्ट्रिकल की बेसिक नीड है वो होती है सीरीज लैंप। तो इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि आप लोग सीरीज लैंप कैसे बना सकते हो। तो सीरीज लैंप बनाने के लिए हमें एक इस टाइप का बल्ब होल्डर चाहिए, एक चाहिए ऐसा प्लग और एक चाहिए ऐसा फीमेल प्लग, और चाहिए कुछ कनेक्टिंग वायर, और साथ ही में हमें टेस्टिंग के लिए चाहिए एक ऐसा 100 वोल्ट का बल्ब। आपने कई जगह पे जो टीवी रिपेयरिंग होते हैं उसमें ये 100 की जगह 200 वोल्ट का भी बल्ब यूज़ करते हैं, पर अभी हम लोग इस वीडियो में 100 वोल्ट का बल्ब यूज़ करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर दो वायर निकालने हैं, तो ये ब्लैक और ये येलो वाला जो वायर है वो मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारा 2 पिन टॉप रहता है उसका कनेक्शन कर दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो बल्ब होल्डर है उसको लगाना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो येलो वाला वायर है उसको पहले ये जो हमारा होल्डर है उसमें से निकालेंगे। तो ये जो है इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं। और ये जो होल्डर है उसकी एक साइड के इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा ये होल्डर में हो गया। अभी हमें क्या करना है कि एक दूसरा जो हमने येलो कलर का वायर लिया है उसको लेना है। इसको हम लोग ये वायर जो हमारा स्ट्रिपर है उसकी मदद से इसे स्ट्रिप कर लेंगे। अगर आपको वायर स्ट्रिपर का यूज़ नहीं करना आता है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप वायर स्ट्रिपर का यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखिए, यहाँ पर मैंने जो दो बल्ब है उसके अंदर से दोनों येलो वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी आपको कनेक्शन के वक्त एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि कोई भी जो स्क्रू है वो लूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर लूज़ रहा तो शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ सकता है। तो अभी ये हमारा जो होल्डर है उसका कनेक्शन हो चुका है। अब हम इसके अंदर से इसको इस तरह से रख देते हैं। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। उसके बाद ये जो है दो वायर उसको हम ये जो 2 पिन हमने फीमेल प्लग लिया है उसके अंदर लगा लेना है। तो अभी यहाँ तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। चलिए इसको हम लोग केबल टाई की मदद से बांध देते हैं। तो लीजिए, अभी हमारा ये जो सीरीज बल्ब है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है जिसके अंदर हम लोग पहले ये जो है उसको लगा लेंगे इस वाले पिन को, और ये जो होल्डर है ये होल्डर उसमें हम लोग लगाएंगे हमारा ये जो बल्ब है 100 वोल्ट का उसको। तो लीजिए, अभी हम लोग सीरीज टेस्टिंग के लिए रेडी है। इसको अभी सप्लाई दे देते हैं और यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो देखिए, अभी कहीं पर भी शॉर्ट नहीं है तो ये बल्ब अभी नहीं चलेगा। इसको अभी हम लोग पहले शॉर्ट कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये जो है ना इसको शॉर्ट कर दिया है, तो ये हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है। अभी इसको पहले हम लोग बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। अभी देखिए, ऑन करते हैं क्या होता है, हमारा बल्ब नहीं जलता है क्योंकि ये जो है वो अभी सीरीज में। अभी हम लोग यहाँ पे एक जो हमारा नॉर्मल LED बल्ब रहता है ना उसको जला के देख लेते हैं क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे पिन को लगा लिया और इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, हमारा जो सीरीज लैंप है वो नहीं जला है और ये हमारा LED लैंप जल चुका है। अगर यहाँ पे 100 वोल्ट से ज़्यादा बल्ब रहता तो ये हमारा जो सीरीज लैंप है यानी कि जो 100 वोल्ट का बल्ब है वो चलता, ये नहीं जलता। पर अभी ये 100 वोल्ट से कम है इसीलिए ये LED बल्ब जल चुका है।